ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जुमला 150 डिवीजन्स में हुए इंतखाबात की वोटिंग की काउंटिंग का सुबह 8 बजे से ही आगाज हो गया। आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। पहले मरहले के तहत रुझानात के मौसूल होने के बाद कुलहिंद मजलिस आज़म मुस्लिमीन 18 डिवीजन्स में अपनी बर्तरी बरकरार रखे हुए है और कायदीन और उम्मीदवारों की जानिब से इस बात की उम्मीद की गई है कि वो पार्टी पहले से ज्यादा निशस्तें हासिल करेंगे। वहीं बरसर इख्तदार टीआरएस पार्टी फिलहाल मौसूला इब्तदाई रुझानात के मुताबिक 34 डिवीजन्स में अपनी सबकत बरकरार रखे हुए है और टीआरएस कायदीन के मुताबिक वो इस बार सेंचुरी लगाएंगे। वहीं मरकजी हुकूमत ने बरसर इख्तदार बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज मिनिस्टर्स और नेताओं की जानिब से किए गए रोड शोज व तशहीरी मुहिम के बायस फिल वक्त तकरीबन 82 निशस्तों पर पहले मरहले की काउंटिंग के मुताबिक वो अपनी इनफरादियत को जाहिर कर रहे हैं। वहीं मरकजी वजीर दाखिला के स्टेटमेंट के मुताबिक बीजेपी मेयर की सीट हासिल करने की उम्मीद का उन्होंने इजहार किया था, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस मौजूदा इब्तदाई मौसूला इब्तदाई रुझानात के मुताबिक डिवीजन्स में अपनी सबकत बरकरार रखते हुए 2 पर आगे बढ़ रही है, जबकि अदर्स में कोई उम्मीदवार भी खतार में नहीं। సార్ బయట ఇస్తారా సార్ అడుగుతా అయిపోతున్నాయి కరెక్ట్ ఏ బయట అడుగుదామా అది కరెక్ట్ అడిగేది ఏంది సార్ ఉందా లోపల ఏం జరుగుతుంది వెంకట Thank you.